अस्सलामुअलैकुम, जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक लेनोवो का मोबाइल है K5 Note। तो इसको मैंने रीसेट कर दिया है FRP रीसेट CM2 डोंगल से। और रीसेट होने के बाद या आप यहाँ पर देखें कि बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो क्लियर, यानी कि कोई एरर वगैरह यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मोबाइल जो है वो एक तो यहाँ पर ये छोटा सा एरर लिखा आ रहा है, इसमें टूल DL इमेज फेल। तो मोबाइल एक लूप में लगा हुआ है, यानी कि रिस्टार्टिंग पर कभी ऑन हो रहा है और कभी ऑफ हो रहा है। और उसके बाद मैंने इसको हल करना है इस मसले को। तो आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। पहले तो ये यहाँ पर इस पे आप देखें कि इस मसले का हल दिया हुआ है फिक्स DL मोड। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। मोबाइल को मैं बैटरी का जैक उतार कर दोबारा लगाता हूँ ताकि मोबाइल इस लूप से बाहर निकल आए। और क्लिक करने के बाद मैं मोबाइल को कनेक्ट कर देता हूँ माइक्रो USB केबल से। मोबाइल कनेक्ट हुआ और मोबाइल की इन्फो वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये DL फिक्स पास्ट लिखा आ रहा है और डन, और साथ में ये कर्सर पर आप बिजी का निशान देख सकते हैं। मैं मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और ये बैटरी का जैक उतार कर दोबारा से पावर बटन प्रेस करके इसको ऑन करता हूँ। तो आप देखें जो एरर यहाँ पर पहले आपको दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल उसी तरह है, यानी कि CM2 डोंगल इस मसले को हल नहीं कर रही। और ये ऑप्शन जो है ये एक्स्ट्रा में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी है, लेकिन उसका भी यही मसला है, वो भी इसी तरह एक ही ऑप्शन है और एक ही चीज़ है। तो इस मसले को हल करने के लिए मैं ये CM2 डोंगल का जो सेटअप है इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं ओपन करूँगा SP टूल को। SP टूल को ओपन करने के बाद आपने मोबाइल की स्कैटर फाइल जो है उसको लोड करना है, जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। ये इसकी फ़ाइल है और इसको मैंने फर्मवेयर और यहाँ से इसको मैंने SP टूल में फ़ाइल को लोड किया। तो अब आपने करना यह है कि सब के सब टिक जो हैं उनको हटा देना है, सिर्फ़ एक लोगो पर आपने टिक लगा देनी है। ये तमाम की तमाम जो बॉक्स बने हुए हैं इनको आपने अनचेक कर देना है, यानी कि जो इनमें टिक लगी हुई थी उसको हटा देना है और ऊपर नीचे करके इसको यहाँ से बार को स्लाइड करके चेक कर लेना है कि कोई फ़ाइल सेलेक्ट तो नहीं हुई। सिर्फ लोगो फ़ाइल को आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने मैं ये सेटअप सेंटर में कर लेता हूँ और जाना है ऑप्शन पर और ऑप्शन, और यहाँ से आपने क्लिक करना है डाउनलोड। और ये जो दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको आपने इस तरह टिक कर देना है और इस यहाँ से क्लोज़ करने के बाद आपने क्लिक करना है डाउनलोड पर। मैं फिर से मोबाइल की बैटरी का जैक उतार कर दोबारा लगाता हूँ और साथ में ही मोबाइल को USB केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लोगो बिल्कुल एक छोटी सी फ़ाइल है, जो स्क्रीन पर आपको लोगो नज़र आता है लेनोवो लिखा होता है वही। तो ये यहाँ से ओके हुआ, इसको मैंने क्लोज़ किया, केबल को मैंने मोबाइल में से रिमूव किया। फिर मैंने बैटरी के जैक को उतार कर दोबारा लगाना है और पावर बटन से मोबाइल को ऑन कर देना है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। और अब हमने इतना वेट करना है कि हमारा मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाए। अच्छा, मैंने जिस तरह CM2 डोंगल से FRP अनलॉक किया, तो FRP तो रिमूव हो जाती है, लेकिन ये टूल डीएल इमेज फेल का मसला आ जाता है, तो वो आप इस तरीके से एसपी टूल के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। बस थोड़ा वेट करना है कि मोबाइल ऑन हो जाए। जैसे ही मोबाइल ऑन होगा, इसकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है मोबाइल को ऑन करने के लिए, वो हम करेंगे और मोबाइल बराबर काम करने लगेगा। आप देखें कुछ देर बाद मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। तो इसकी लैंग्वेज वगैरह आप जो जानते हो वो सेलेक्ट करें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पर है, मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया और ये वाईफाई वगैरह के ऑप्शन में स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल को अभी नेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट सिम जो है, सिम कार्ड की ऑप्शन है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। टाइम वगैरह भी हम बाद में देखेंगे और स्क्रीन लॉक भी मैं इस टाइम सेट नहीं कर रहा हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ। और ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको तो आपने एक्सेप्ट करना ही है। और यहाँ से मैं नो कर देता हूँ और नेक्स्ट स्टार्ट। तो मोबाइल जो है वो वर्किंग है, ऑन हो चुका है। और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस मज़ीद मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ सके। आप देख सकते हैं कि मोबाइल का मसला जो था वो एसपी टूल से सिंगल क्लिक के ज़रिए क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह रीसेट करने के बाद मसला आ जाए तो आप इस तरह एसपी टूल से इस तरीके से रिमूव कर सकेंगे। हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।